वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं एक न्यू हेयर स्टाइल लेकर आई हूँ। जैसे कि शादियों का सीजन चल रहा है और आप लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस टाइप का हेयर स्टाइल करें, अपने गाउन ड्रेस के साथ, लहंगे के साथ, साड़ी के साथ, पार्टी वेयर ड्रेस के साथ। तो आप ये वाला हेयर स्टाइल ईजिली कर सकते हो। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल सा ये जैसे मैं बता रही हूँ तरीके से कर लो। देखने में काफ़ी लगेगा कि मुश्किल है हेयर स्टाइल, बट आप बहुत ही ईजिली इसको बना लोगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली अपने बालों को कुछ भी नहीं करना, कहीं से भी इस तरीके से पकड़ो। लेकिन ये ध्यान रखिए जब आप ट्विस्टिंग कर रहे हो तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखो और इस तरीके से ट्विस्ट करो। ट्विस्ट कर करके हल्का हल्का सब जगह से इसको खींचो, बालों को खींचिए। काफी सुंदर सा देखते हैं किस टाइप का हेयर स्टाइल बनता है ये। और सिंपली आपको इस तरीके से रख देना है अपने बालों पे। आपका लॉन्ग होगा तो और पीछे तक जाएगा, काफी सुंदर लगेगा। फिर से दूसरा लेयर लीजिए और ऐसे ही ट्विस्ट कीजिए। ट्विस्ट को बिल्कुल लूज कर देना है। ओके, और ऐसे लूज करने नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से एक लेयर ले लो और इस तरीके से खींचो और खींच के इसको पूरा फैला दो। ओके, फिर तो आप आराम से कर लोगे और सिंपली इसको भी बैक पिन से पीछे जाके सेट कर दो। तीसरा लेयर लिया हमने और इसको ट्विस्ट किया है। तो ये कुछ डिफरेंट सा बनने वाला है और बहुत प्यारा लगने वाला है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। ट्विस्ट करते जाइए जल्दी जल्दी और इसको बस थोड़ा थोड़ा खींचते जाइए। मैं भी सब लुक देते जाइए बालों को और बैक में सेट करते जाइए। साइड से आप एक लेयर छोड़ दो, फिर से थोड़े से हेयर लीजिए और ट्विस्ट करिए। और बैक में ले जाके इसको सेट कर दो। सेम इसी तरीके से आप दूसरी साइड से करो। ये आप जब ट्विस्ट कर रहे हो तो इस तरीके से स्ट्रेट करना, बैक में ले जाके करोगे तो ये फ्लैट हो जाएगा और लुक अच्छा नहीं आएगा। तो छोटे बालों पे भी इस तरीके से आप बहुत ही सुंदर सा वेडिंग बन हेयर स्टाइल बना सकते हो। साइड से लेयर छोड़ दो। ये खींचना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, खींचना है तो एकदम मैसी सा लुक देना है बालों को। ओके, इतना बनाने के बाद आपको क्या करना है, ना ही ज़्यादा लो और ना ही ज़्यादा हाई, एक पोनी बनानी है। सिंपली इस तरीके से खींचना है और इसको ऐसे रख के कहीं भी इस तरीके से और जूड़ा पिन से इसको सेट कर देना है। ओके, फिर से सेकेंड लेयर दे रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं और यहाँ से एक बार लेना है और इस तरीके से ट्विस्टिंग को खींचना है और कहीं भी इसको दिया इस तरीके से जूड़ा पिन से सेट कर देना है। सेट करते जाने
सारे बन बन के यहाँ पे रेडी होने वाले हैं। छोटे पतले वालों में बहुत ही सुंदर था, मैसी बन, लो मैसी बन, पार्टी वेयर बन, वेडिंग बन, जो भी बोलो आप इसको आप क्रिएट कर सकते हो। जहाँ से आपको लग रहा है कि आपके हेयर निकल रहे हैं वहाँ पे आप बहुत बड़ा भी मैच कर लो। और इस तरीके से आप अपना बन रेडी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये हेयर स्टाइल और काफ़ी इजी तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो आप इसके साथ इयर रिंग्स डालो, मेकअप करो अपना और टीका लगाओ, बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा। और आप बहुत छोटे और पतले वालों में ये हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हो और इस तरीके से बिग मैसी लो मैसी बन हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया हो और हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो। हेयर स्टाइल अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें भरपूर और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और जिसको जिसके भी हल्के पतले बाल हैं और हेयर स्टाइल बनाने में काफ़ी दिक्कत आती है वो ये हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, साड़ी के साथ, गाउन के साथ, लहंगे के साथ, तो और जो भी पार्टी वेयर ड्रेस पहन रहे आप उसके साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरे दूसरे चैनल पे सिलाई कोर्स पे जरूर जाएगा। और आप गर्ल्स हैं, आपको सिलाई सीखने में इंटरेस्ट है तो जरूर जाएगा। और जिसको भी सिलाई सीखने में इंटरेस्ट है उस चैनल का लिंक उनको शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।